Okay. Before teaching about the images found by a concave, आपका नाम आप कह रहे थे कल मैंने focal length छोड़ दिया. यही बता देते भाई. Focal length. तो focal length क्या होती है? The line passing through the focus and the principal and perpendicular to the principal axis is called the focal plane. So now, the plane passing through the focus and perpendicular, देखो perpendicular to the principal axis. Principal axis पे जो perpendicular होता है इस कॉल आपका उसको focus plane कहते हैं. focal plane ये हो. focal length और focal plane एक ही थी? नहीं, focal और ये focal plane ही तो plane ही तो बोला आपने. हाँ focal plane बोला ना, दोनों focal length तो अलग चीज होगी. focal length तो आपका हो गई जो आपका ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ. लेकिन फोकल प्लेन का मतलब द प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द फोकल प्लेन. इज इट क्लियर? इसके बाद बाकी वही है एपर्चर, वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया. सो नाउ द डायामीटर, क्योंकि हम लेंस पढ़ रहे हैं तो डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर एस ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड द एपर्चर. जितना जैसे ही दिस इज द एज एंड दिस इज द एज, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा इसी के बीच में होगा. तो इसीलिए द डायमीटर डायमीटर देख रहे ऑफ ए सर्कुलर एज ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड द एपर्चर. इसको एपर्चर कहेंगे. ठीक हो गया सर? ये था. अब आपका नाम, आई एम कमिंग ऑन द इमेजेस फॉर्म टू राइट.